राजस्थान की सियासत इन दिनों एकाएक तल्ख हो चली है। अभी विधायक गणेश घोगरा का प्रकरण ही शांत नहीं हो पाया था कि अब मेवाड़ के एक और विधायक ने बयान देकर धमाका कर दिया है। दरअसल बेगो विधानसभा के चर्चित विधायक राजेंद्र विडूड़ी का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने अपने भाषण के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही सवाल खड़े कर दिए। विडूड़ी ने अब अपने खुद की सरकार के मुखिया अशोक गहलोत पर रीट परीक्षा, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हमला बोला है। चित्तौड़ का एक नेता दो बार हार गया 50,000 से, उसको तुम राज्यमंत्री का दर्जा दे रहे हो और जीतने वालों को नीचे गिरा रहे हो, तो हारने वालों की जमानत तो जब्त हो चुकी 50,000 से आ रहा। आपको कांग्रेस के हम जीतेंगे तभी तो मुख्यमंत्री बनो, और हमें कौन जिताएगा? ये कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता ही अगर मजबूत नहीं होगा, इसकी कोई सुनेगा नहीं, तो कौन जिताएगा? हो गया भाई, हॉस्पिटल कैसे सुरक्षित होगी? अरे भाई मुख्यमंत्री जी, आप गृह मंत्री हो, सस्पेंड करो सबको, इनको भगा यहाँ से, इनकी सीबीआई जांच दे दो। आप रिट की नहीं दे सकते तो इसकी तो दे दो। मैंने लिख के दिया, रिट की मत तो डर रहे हो कि कोई मंत्री जेल चला जाएगा, आरसोली थाने की सीबीआई जांच दे दो।